हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइमेथिक्स। मैं कनिका आपकी मैथ्स टीचर एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। आई होप जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आपने उसके न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है, और वो आपको अच्छे से जो है समझ में भी आया होगा। क्या पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो में? नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस पढ़ी थी। फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किए थे जिसके अंदर हमने क्या निकाले थे, रेशनल नंबर निकाले थे। दो नंबर अगर हमें गिवन है, हमें अगर उसके बीच में इरेशनल नंबर निकालना है वो निकाले थे। कुछ हमने उनको नंबर लाइन में प्रेजेंट किया था। ये सब हमने जो है लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और जिस बच्चे ने मेरी जो पिछली वीडियो नहीं देखी पहले, तो वो वीडियो पिछले वाली वीडियो जाके देखें, तभी आपको ये वाली वीडियो में जो पढ़ोगे वो समझ में आएगा, ठीक है। और आज वाली वीडियो में भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे और अपने चैप्टर को जो है आगे लेकर चलेंगे। आपने क्या करना है, जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी उसको साथ साथ जो है अपनी नोटबुक में ट्राई करना है, ठीक है। मैं बोर्ड पे कराऊंगी, आपने अपनी नोटबुक में ट्राई करना है ताकि जो है आपको भी अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि मैथ को आप जो मैं पढ़ाऊंगी आप उसे वैसे कवर नहीं कर सकते। आप मैथ्स क्या जाता है, प्रैक्टिस जाता है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। चलिए मैं अपने टाइम को और वेस्ट नहीं करती, हम अपनी वीडियो को जो है आगे लेकर चलते हैं। हाँ जी बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज की वीडियो में हम रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, रियल नंबर्स के बारे में और पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी ना लास्ट वीडियो में, अब हम उसे और ब्रीफली पढ़ेंगे और उसको डेसिमल फॉर्म में कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं वो देखेंगे। देन कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं उसकी पी बाई क्यू फॉर्म में वो देखेंगे। देन इरेशनल नंबर को और ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है। इन तीनों टॉपिक्स को जो है आज की वीडियो में हम कवर करेंगे, चलिए देखते हैं। हाँ जी बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में जो है रियल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या डेफिनेशन होती है रियल नंबर की? रियल नंबर आर कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। जो रियल नंबर्स हमारे पास होते हैं वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, यही डेफिनेशन थी रियल नंबर की, है ना। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम रियल नंबर, इधर हम इरेशनल और रेशनल नंबर को पढ़ेंगे रियल नंबर्स में, लेकिन एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे पढ़ेंगे। जो रियल नंबर है यहाँ पे हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में जैसे आपके पास एग्जाम्पल हो गया, कोई नंबर है 0.1293, ये आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में क्या है, ये हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। पहले हम देखते हैं टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिसके अंदर रिमाइंडर क्या बचता है आपका, जीरो। इसमें आपका रिमाइंडर क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को जैसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये तो होएगा कि रिमाइंडर जीरो नहीं है, इसमें रिमाइंडर आपका जीरो होगा, इसमें रिमाइंडर आपका नॉन जीरो होगा। रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर नॉन जीरो, मतलब कि अगर आप हमें कोई भी फॉर्म लिखते हैं, 1/2 की फॉर्म में लिखा है या फिर 2/10 लिखा है, जैसे 2/10 लिखा है, पहले मैं टर्मिनेटिंग की बात कर रही हूँ, 10 यहाँ आ जाएगा, 2 5 10, यानी कि रिमाइंडर कितना है, जीरो है। तो ये कैसा नंबर है आपके पास, टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। ये कैसा नंबर है आपके पास, टर्मिनेटिंग नंबर है। अगर हम बात करती हूँ नॉन टर्मिनेटिंग की, जिसमें मैंने आपको बोला नॉन जीरो नंबर आएगा, अगर मैं बात करती हूँ नॉन टर्मिनेटिंग की, मान लीजिए आपके पास क्या है, 9 है, यहाँ पे 2 है, 2 4 8, यानी कि क्या बचा, 1 बचा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 आया ना रिमाइंडर। हालांकि हम इसको आगे और भी कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा है, 1 बचा है। तो ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग है इसको हमने आप फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, कौन कौन से, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब रिपीटिंग का एग्जाम्पल क्या है, 0.12
इसको बोलते हैं बार लगी हुई है। इसका मतलब क्या होता है, 0.12 1 2 1 2 1 2 सो ऑन चलता रहेगा ऐसे ही। ये कैसे हो रहे नंबर, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। रिमाइंडर इसमें नॉन ज़ीरो है और ये रिपीटिंग का मतलब ये ऐसे रिपीट हो रहा है। अगर कोई और एग्जांपल लेते हैं 0.33 तो कैसे रिपीट होएगा, 0.33 33 33 33 33 सो ऑन ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि हमारे पास कैसा है, रिपीटिंग नंबर है। और अगर हम बात करते हैं नॉन रिपीटिंग की, तो इसमें क्या है, 0.34567298432 ये रिपीटिंग नहीं है, मतलब ये कुछ पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। अभी इतना समझिए, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन के साथ उसको ब्रीफली बताती हूँ। रियल नंबर्स को हम इसमें यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं नंबर्स, जिनका रिमाइंडर डिवीज़न पे जीरो आ जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि टर्मिनेट हो जाते हैं, टर्मिनेशन मतलब टर्मिनेटिंग से आप समझ सकते हो, टर्मिनेट हो जाते हैं, जीरो आ जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जिनका कोई एंड नहीं होता, नॉन टर्मिनेट, ठीक है, तो उसमें जो रिमाइंडर है नॉन जीरो आता है। उसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का आप एग्जांपल देख चुके हो, नॉन रिपीटिंग में आपके पास ये रिपीट नहीं होते हैं। चलिए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उससे आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। बच्चों टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, देखिए जिसके अंदर आपका रिमाइंडर जीरो बन जाता है। एग्जाम्पल है 7/8, चलिए देखते कैसे। हमें क्या करना है, 7 को 8 बार डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, 7 अंदर आएगा 8 बाहर। अब 7 क्या है, 8 से छोटा हो ना, तो क्या करेंगे, ज़ीरो लगा देंगे। कितने जा कटेगा, 8 जा, ठीक है, 8 जा 64, 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर से फिर यहाँ पे क्या लग जाएगा, 8 7 जा 56, है ना। फिर 5 8 जा 40, यानी कि आपका रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया, और ये आपके पास नंबर आया है यहाँ से, है ना। तो मतलब ये क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर आपका जीरो बन गया, तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। जहाँ पे रिमाइंडर आपका जीरो बन रहा है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। पी बाई क्यू की फॉर्म में ये तो था ही, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो कौन से नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं ना। तो ये रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। चलिए हम नॉन टर्मिनेटिंग के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जी बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग नंबर देखो कौन से होते हैं, जिसमें आपका रिमाइंडर जो है जीरो नहीं आएगा। कुछ एग्जांपल्स उसको क्लियर करते हैं, कैसे आएगा नहीं। 2/11 को देखते हैं, 2/11 का मतलब क्या है, हमें 2 को 11 टाइम्स डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, 2 अंदर 11 बाहर, लेकिन अब 2 11 से क्या है, छोटा है, ज़ीरो आ जाएगी यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। 11 1 11 कितना आया यहाँ पे, 9 आया ना आपके पास, है ना। फिर से ज़ीरो लग जाएगी, 11 8 88, है ना। फिर कितने बचे यहाँ से आपके पास, 2 बचे, है ना। अब दोबारा से ज़ीरो लग जाएगी, फिर 11 1 11, फिर कितना आया, 9, फिर ज़ीरो लग जाएगी यहाँ से, है ना। फिर 8 जा, फिर 2 बच जाएंगे। अब ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा, कितना आया यहाँ से, 0.1818, है ना। रिमाइंडर तो आपको ज़ीरो नहीं आएगा, ऐसे रिपीट होता रहेगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, इसको मैंने आपको पिछली उसमें बताया है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.18 बार। 0.18 बार का मतलब क्या है, 0.18181818 सो ऑन। तो हमारे पास ये कैसा नंबर आया है, रिपीटिंग आया है। कैसा नंबर आया है, रिपीटिंग आया है। पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको लिख ही रहे हैं, तो ये हमारे पास कैसा है, रिपीटिंग है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और रेशनल नंबर है। समझ में आया, जो आपके पास नंबर में रिमाइंडर आपका जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है, उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। आपने उसका एग्जांपल यहाँ से पढ़ लिया है। एक और एग्जांपल है इसका, 22/7, इसको अपनी नोटबुक में निकाल कर देखना। ये नंबर भी आपका कैसा आएगा, नॉन ज़ीरो रिमाइंडर के साथ आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कैसे आएगा ये भी। जी देखिए, इसमें हमें 22 को 7 टाइम्स डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, 22, ठीक है, यहाँ जब 7 3 जो 21, क्या बचा, 1,
है ना, पॉइंट आ जाएगी, जीरो ले लेंगे, सेवन वन जो सेवन कितने बचे, थ्री है ना। अब जीरो आ जाएगा, सेवन फोर जो ट्वेंटी एट, टू है ना, जीरो ले लेंगे, आगे सेवन टू जो फोर्टीन, सिक्स है ना, आगे सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स है ना, फिर से अब सेवन फाइव जो थर्टी फाइव, फिर से कितना बचा फाइव, अब सेवन सेवन जो फोर्टी नाइन, अब वन, अब देखो हमारे पास वन आ गया, फिर से ये टेन बन गया, ये वाला बन गया यहाँ से है ना, फिर से ये टेन बन गया, यानी कि फिर से सारे ये स्टेप फॉलो होंगे यहाँ से यहाँ तक है ना। फिर से अब क्या करना है, यहाँ से सेवन वन जा सेवन, फिर से फोर जा, फिर टू जा, फिर एट जा, फिर फाइव जा, फिर सेवन जा, मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। हम डिवाइड कर, अब यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, अपनी नोटबुक पे करके देखना, ये सारा ऊपर वाला जो प्रोसेस है दोबारा से एक दूसरे को ये फॉलो करेगा, ये दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट करेगा। तो मैंने आपको बताया है ना, जैसे रिपीट है यहाँ से कर रहे ना, तो क्या करोगे यहाँ पे, 3.14285 7, डैट मीन्स इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। बार का मतलब क्या है, यहाँ से जो आपका नंबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, यहाँ से आपके नंबर जो हैं रिपीट कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3.14285 7 बार लगा देंगे। अभी नंबर आपके पास कैसे था, पी बाई क्यू की फॉर्म में था है ना। जिस नंबर को हम p by q की फॉर्म में लिखते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर होते हैं, रेशनल नंबर हैं, ठीक है। साथ में आपके पास ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है, और क्या है, नॉन रिपीटिंग है, सॉरी रिपीटिंग है, रिपीट कर रहे हैं ना नंबर, ये रेशनल नंबर तो था ही, साथ में नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया है, ठीक है जी बच्चों। हमने यहाँ से अब हमने क्या कॉन्क्लूड किया है कि जो रेशनल नंबर की टर्म, रेशनल हम क्या कर रहे थे, डेसिमल ही एक्सपेंड कर रहे थे ना, इसमें रियल नंबर को, रियल नंबर जो है कॉम्बिनेशन होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। तो हमने यहाँ से क्या कॉन्क्लूड किया कि जो रेशनल नंबर है उनके जो डेसिमल एक्सपेंशन है या तो वो टर्मिनेटिंग होगी या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। एग्जाम्पल पढ़ा था ना हमने, टर्मिनेटिंग में जो उसका रिमाइंडर है वो ज़ीरो आ जाता है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग आ रहा है। तो इन्होंने यही कहा है कि हमने यहाँ से कॉन्क्लूड क्या किया है, रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है, ये हमने कॉन्क्लूड किया है। लेकिन अब एक बात देखो, हमने क्या पढ़ा था कि जो रियल नंबर होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं रेशनल नंबर के इरेशनल नंबर के, है ना, दोनों थे, रेशनल नंबर भी थे इरेशनल नंबर भी थे, यही पढ़ा था ना हमने। लेकिन अभी हम क्या पढ़े थे, रियल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ते थे, ठीक है। अब हमने रियल नंबर को देखा कि वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन है। लेकिन अभी हमने किसके बारे में देखा है, सिर्फ रेशनल नंबर के बारे में देखा कि वो टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होती है उनकी डेसिमल एक्सपेंशन, ये हमने एग्जांपल से पढ़ ली है। अब व्हाट अबाउट इरेशनल नंबर, चलिए उसके बारे में अब हम देखते हैं। ये आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, साथ साथ इसको पॉइंट नोट डाउन करते जाइए और जो मैं न्यूमेरिकल्स करा रही हूँ उसको प्रैक्टिस भी करते जाइए। बच्चों इरेशनल नंबर के बारे में देखिए, इरेशनल नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। सबसे मेन बात तो ये है कि रेशनल नंबर को तो हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे, लेकिन इरेशनल नंबर को जो है हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, है ना। इरेशनल नंबर के हमारे पास एग्जांपल क्या थे, रूट टू, रूट थ्री, पाई, एक्सपोनेंशियल, ये हमारे पास इरेशनल नंबर के जो है एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। तो वो कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, मतलब उनका कोई एंड नहीं होगा, ठीक है, और साथ में नॉन रिपीटिंग होंगे, रिपीट भी नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल है रूट टू, 1.414235 62, ये जो रिपीट भी नहीं करेगा। आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं रूट वाले लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, जैसे सॉल्व करना सीखा होगा आपने क्लास एट में, ठीक है। तो जो है सिर्फ आप इतना याद रखना कि रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है, रिपीट भी नहीं करेंगे। और ये जो है क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में हम इसे नहीं लिख सकते, तो इसे सॉल्व भी कैसे करेंगे। लॉन्ग डिवीज़न मेथड अगर आपको आता है तो आप यहाँ से ट्राई करना, तो इसका आंसर जो है ऐसे ही आएगा, नॉन रिपीटिंग ही आएगा, जो है आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, मतलब कि वैसे ही आपका रिपीटिंग नहीं होगा जैसे आपका रेशनल नंबर वाले केस में आया था, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना, कुछ टू मेन पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए।
बच्चों आपके पास ना ये टू मेन पॉइंट है जो आपको याद रखने होंगे. क्या कहता है वो मेन पॉइंट? द रिमाइंडर आइदर बिकम जीरो और स्टार्ट रिपीटिंग इटसेल्फ. या तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है, या फिर वो क्या करने लग जाएगा? रिपीट करने लग जाएगा. हमने एग्जाम्पल में पढ़ा है ना, जीरो हो जाएगा या फिर देखो रिपीट कर रहे ना, ये क्या है 0.18 बार यहाँ से रिपीट कर रहा है 0.18, ठीक है, ये इसका ये क्या कर रहा है, स्ट्रिंग इसकी रिपीट करी जा रही है, यही केस आएगा ना. तो नॉट ये करना है, या तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा या फिर वो अपने आप में रिपीट करने लग जाएगा. ये तो समझ में आ गया आपको, मैंने एग्जांपल से बताया है. सेकंड क्या है? द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ अ रिमाइंडर इज लेस देन द डिवीजर्स. अब ये क्या बता दिया मैम, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा. आपने क्या लिखा है ये हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा. तो क्या लिखा है मैंने बेटे, द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स, द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स. ठीक है, पहले तो आपके पास ये देखो डिवाइड हो रखा है. ये हमने क्या किया हुआ, 2/11 को डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, जो नीचे बचता है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, है ना. जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवीजर, जो डिवाइड होता है उसको बोलते हैं डिविडेंट. ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या आता है, क्वेश्चेंट आता है ना. तो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर. हम इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं ना, ये इसका रिमाइंडर आ रहा है ना, यही इसकी क्या होगी है, स्ट्रिंग बन रही है ना, रिमाइंडर की स्ट्रिंग ये बन रही है आपके पास. तो उन्होंने कहा है जितने नंबर ऑफ एंट्रीज इस स्ट्रिंग के अंदर आएंगी, स्ट्रिंग क्या बन रही है 0.18 की स्ट्रिंग बन रही है ना, यानी दो नंबर है यहाँ पे, है ना. द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिवीजर. ये जो एंट्री आई है 2, ये इससे कम होगी. ऑब्वियस है, दिख भी रहा आपको सामने से कि 2 क्या है 11 से छोटा है. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है. अब मैम क्यों याद रखना है हमें, क्वेश्चन अच्छे भला समझ में आ रहा था, अब आपने क्यों ये पॉइंट इन्वॉल्व कर दिया है. ये पॉइंट इसलिए इन्वॉल्व कर दिया है, इन क्वेश्चंस में क्या आती है, मोस्टली एरर्स आती है इस क्वेश्चंस में, जो है गलतियां ज़्यादा होने के चांसेस हैं. तो उन गलतियों को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, ये पॉइंट याद रखना है. अब ये पॉइंट हेल्प कैसे करेगा, मान लो आप 2/11 को डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, 2 को 11 टाइम्स डिवाइड कर रहे थे, लेकिन आपका डिवीज़न और लंबा लंबा जाया जा रहा जाया जा रहा, आपका आंसर आ ही नहीं रहा है. ठीक है, और उससे आप अगर आपको ये चीज़ पता होती, ये अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रिंग बढ़ी जा रहे हैं बढ़ी जा रहे बढ़ी जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये चीज़ पता होती, मतलब इस वाले डिवीज़र से भी क्या हो गए, बढ़ गए हैं, तो आप क्वेश्चन ही गलत कर रहे हो ना, एरर ही आ रही है क्वेश्चन में. अगर आप इस पॉइंट को याद रखोगे तो आप अपने आप को क्या कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो. आपको आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं कुछ गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जिसकी वजह से जो आपका आंसर है नहीं निकल रहा है. तो ये पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है. क्या है पॉइंट, दोबारा देखते हैं, द रिमाइंडर आइदर बिकम जीरो और स्टार्ट रिपीटिंग इटसेल्फ. ठीक है, या तो जीरो हो जाएगा रिपीट करेगा. सेकंड क्या है, द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर, जितनी नंबर ऑफ एंट्रीज इसमें रिपीटिंग स्ट्रिंग में आएगी वो कम होगी डिवीजर से. इसमें क्या थी, जीरो, 2 एंट्रीज रिपीट हो रही थी ना, 2 क्या है 11 से छोटा है, डैट मीन्स आपका क्वेश्चन क्या है, सही है, करेक्ट है. तो ये पॉइंट आप यहाँ से जो है याद रखना, ये आपको हेल्प करेगा. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. हाँ जी बच्चों, जो आप तो को मैं पढ़ा रही हूँ क्लियर हो रहा है ना आपको. फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हो, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपके पहले मैं डाउट ही क्लियर करूँगी. ठीक है, क्या करना है, साथ साथ नोट डाउन करना, मेन क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उसको अपनी नोटबुक में मेरे साथ साथ जो है ट्राई करते रहो. ठीक है, फिर क्या करना, इस वीडियो को अगर आपको नहीं समझ में आया 2 बार इस वीडियो को देखना, बैक करके देखना कैसे क्वेश्चन मैंने करा है. ठीक है, नहीं फिर भी नहीं समझ में आता तो क्या करना, कमेंट पे मुझे मेंशन करना. चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं. हाँ जी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्जन इन P/Q फॉर्म. अब हमने क्या कर लिया है, डेसिमल कन्वर्जन पढ़ लिया है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, P/Q के फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है. ठीक है, इसलिए हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग वालों के लिए, यानी कि जिसमें रिमाइंडर क्या आता है, जीरो आता है. क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.15 इन P/Q फॉर्म वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0. हमें क्या करना है, इसको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जहाँ पे P क्यों कैसे हैं, को प्राइम है. को प्राइम का मतलब मैंने आपको पिछली उसमें बताया था ना वीडियो में, क्या होते हैं, जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए एक्सेप्ट 1, उसको बोलते हैं हम को प्राइम. और क्यों की वैल्यू जो है 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए. सो इसको हम जो है 2 मेथड से कर सकते हैं. पहला मेथड देखिए,
क्या करना है, 0.15 को आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में करना है। 0.515 इसके डेसिमल हटा देंगे, क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। कितना बन गया, 15/100। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, 5 3 15, 5 2 10, ये आ गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना। या तो आप इसको इस मेथड से कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या है, क्या करो, एक्स की वैल्यू ले लो 0.15। एक्स की वैल्यू आपने क्या मान ली है, 0.15। अब देखो डेसिमल के बाद कितने पॉइंट है, 2 है ना, तो दोनों साइड क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ क्या आ जाएगा, 100x आ जाएगा, है ना। यहाँ मल्टीप्लाई किया आपने तो कितना आया, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको पॉइंट को हटाएंगे तो 100 आ जाएगा ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 100x इज इक्वल टू 15। तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 15/100। तो यहाँ क्या आया, 5 3 15, 5 2 10, 20 आ गया, है ना। तो ये क्या आ गई है इसकी, पी बाई क्यू फॉर्म आई है, 3/20 आया ना। अब यहाँ से 3/20 के फैक्टर्स बना के देखो, इसके क्या फैक्टर बनेंगे, 3 और 1, इसके 5 4 और 1, क्या कॉमन आ रहा है, 1 और 1। कंडीशन भी सही है, क्यों की वैल्यू 20 है, यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, कन्वर्जन हो गया इसके पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गई है कन्वर्जन। ठीक है, एक बार से देख लीजिए और नोट डाउन जरूर कर लेना इसे। एक और क्वेश्चन देखिए, आप क्या करो, सब नोटबुक में प्रैक्टिस करके देखो क्वेश्चन को, देखते हैं किसका आंसर जो है करेक्ट आएगा। मैं इसका जो इसका सेकंड मेथड का आपका यूज़ करके इसे सॉल्व करने जा रही हूँ। क्या करना है, 0.00024 को आपने पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0.00024, है ना, कितने से मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 4 5, है ना, 10,000 से मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, ये कितना आ गया यहाँ से, ये 24 बनेगा ना, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 10,000 जो है, सॉरी 1 लाख जो है उसका उससे कट जाएगा, 10,000 नहीं 1 लाख है, ठीक है, कट जाएगा, दोनों कट आपस में कट आउट हो जाएंगे दोनों, ये बचेगा। इसको क्या करना है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, अपने कैसे आ जाएगी करके देख लेना, सॉल्व करते रहो अपनी कॉपी में भी। ऐसा कुछ आ जाएगा सर, एक बार देख लेना, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आएगा ये क्वेश्चन आपका जो है, ऐसे सॉल्व होएगा। और इसके क्वेश्चन और ट्राई करना, आपके फाइंड आउट हो जाएंगे, इसी वे को फॉलो करना। दो वेज हैं आपके पास, जो उस वाले वे से निकलेगा उस वाले वे से कर देना, अदरवाइज आप इस वाले वे को भी जो है फॉलो कर सकते हो। चलिए हम उसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहले तो हमने टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, टर्मिनेटिंग पढ़ा था जिसमें, ठीक है, सिर्फ क्या हो रहा था, टर्मिनेट हो गया था। अब हम पढ़ रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन अब हम रिपीटिंग पढ़ रहे हैं, जो रिपीट कर रहे थे वो पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम पी बाई क्यू की फॉर्म में से कन्वर्ट कर रहे हैं, हम रेशनल नंबर्स को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें क्या करना है, पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए देखते कैसे होंगे। एक क्वेश्चन है आपके पास, 0.4, कैसे लिख सकते हैं इसको हम, मान लेते हैं ये आपका किसके इक्वल है, इसको लिख लेती हूँ मैं से, एक्स इज इक्वल टू 0.4 बार। 0.4 बार का मतलब क्या है, 0.44444, सो ऑन, ठीक है। अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 10 के साथ। मैम क्यों मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, देखो देखिए आप, 10 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, देखते हैं क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ दी साइड, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10x आ गया, है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, सिर्फ एक 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक पॉइंट कवर होगा, तो मतलब कि 4.44444, सो ऑन चलेंगे यहाँ से। अब क्या करना, इस इक्वेशन को 1 मान लो, इस इक्वेशन को 2 मान लो, 1 और
टू, क्या करा x को 0.4 बार के इक्वल रखा है, फिर हमने क्या कर दिया दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 10x बन गया, ये 4.444 सो ऑन से चलते जा रहे हैं। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 10x माइनस x कितना बचा 9x है ना, यहाँ से कितना बचेगा देखिए इसको, इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या है आपके पास ऐसे ना, ये क्या है 0.4444 है ना, तो क्या आ जाएंगे ये कट जाएंगे आपस में, 0 0 0 क्या बचेगा 4 बचेगा ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ डायरेक्ट 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/9, ये आपकी p/4 इसकी क्या होगी कन्वर्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, देख लीजिए कॉमन भी नहीं है कुछ, 2 2 4 3 3 9 1 कॉमन है सिर्फ इसके अंदर, हो गया ना कन्वर्ट आपका, क्या किया है x की जगह x को आपने 0.4 बार मान लिया है, अब क्या करा है दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई करने के बाद दो इक्वेशंस आपके पास बनी है, सेकंड इक्वेशन में से आपने फर्स्ट वाली को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो आपका जो है आंसर निकल गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आप जो है ऐसे प्रैक्टिस करोगे, चलिए और प्रैक्टिस करते हैं इसके क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको, सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड पार्ट देखते हैं, फिर से हमें क्या करना है सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, x को किसके इक्वल मान लो 0.45 के इक्वल मान लो है ना, 0.45 बार का मतलब क्या है 0.454545454 चल ही रहा है, ये इक्वेशन होगी 1। अब क्या करना है इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 100x, यहाँ कितना बन जाएगा आपका 2 जीरो में आएंगी ना, तो एक एक दो पॉइंट से पीछे लग जाएगी, तो ये ऐसे चलते गया, ये क्वेश्चन आ गई सेकेंड। अब क्या करना है सब्ट्रैक्ट करनी है सेकेंड में से फर्स्ट वाली, तो करेंगे देखते हैं क्या आएगा, 100 माइनस एक्स 99x यहाँ से, चलिए इसको देखते कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये थी ना आपके पास इक्वेशन, तो क्या आएगी 4.4545 ऐसे चल जा रही ना, तो यहाँ पे क्या है 0.4545 सो ऑन, ये तो इससे कट जाएंगे, क्या बचेगा 4.5 है ना, तो यहाँ से आपका आंसर क्या बचेगा 4.545 लिख दूँ यहाँ पे डायरेक्ट, कितना आ जाएगा 45/99 है ना, कुछ कॉमन नहीं है इसके बीच में से, यही आपकी जो है इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, शॉर्टली इसको कर लेना यहाँ से कटिंग वगैरह इसकी, ठीक है। क्या करा है पहले x की वैल्यू हमने 0.45 ली है, दोनों ये इसको मतलब x के इक्वल माना है, इसके बाद हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसके, नोट डाउन करते जाइए ताकि इस टाइप के जो मैं आपको होमवर्क के लिए न्यूमेरिकल दूँ आपको फिर आपसे कवर होते जाएँ इजीली। क्वेश्चन देखिए सी पार्ट आपका, अब देखिए यहाँ पे बार कहाँ लगी है 6 7 के ऊपर लगी हुई है, मतलब 6 7 जो आपके रिपीट कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी x इज इक्वल टू 0.467 बार, इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर लगी हुई है, कि है कैसे ये 0.467677 ऐसे ऐसे आएंगे, मैंने क्या करा है इसको एक स्टार इक्वेशन मान ली है, आपके पास एक स्टार इक्वेशन बनी है, तो मल्टीप्लाई किया है मल्टीप्लाई इक्वेशन स्टार बाय 10 से मल्टीप्लाई किया मैंने इस इक्वेशन को, तो क्या आया यहाँ पे 10x, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 4.67 बार, ऐसे ही लगे होगी बार, लेकिन ये आपके ऊपर 4 तो अलग था ना, 4 के ऊपर तो कुछ था नहीं, तो 4 ये आ गया आपके पास, क्योंकि आपने क्या करा है 10 से मल्टीप्लाई किया इसको। अब क्या हुआ है, अब क्या करना है इसको कैसे लिख सकते हैं 4.6767677 ऐसे ऐसे चल रही है ना, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब क्या करूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2 इसके 1 के बाद पॉइंट है, 2 जैसे हमने पहले वाले मेथड में फॉलो किया था वैसे ही करना सेम, इसको मल्टीप्लाई करना 100 से, कितना हो गया 1000, यहाँ से क्या बनेगा आपके पास 2 जीरो से पहले आ जाएगी ना, तो यहाँ से क्या बनेगा 6767677 सो ऑन चलता जाएगा ऐसे,
ठीक है, समझ में आया। पहले आपके पास क्या दिया हुआ था, x इज इक्वल टू 0.467 बार था, 67 के ऊपर बार लगा हुआ था, यानी कि 67 जो आपका रिपीट कर रहा था, हमने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। यहाँ से आपके पास क्या बना, ये डेसी, जब हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई किया जो 4 है वो आगे आ गया आज पॉइंट में, ये 67 बार कवर हो गए। फिर हमने क्या किया है, इसको दोबारा से 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये वाली फॉर्म बनी। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम सेकंड में से पहले वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 1000 माइनस 10 कितना आ गया, 990x, है ना। यहाँ से अब देखिए इसको, इनकी सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, 4 6 7 6 7 6 7 6 7, ये है ना, इसको मल्टीप्लाई, इसको माइनस करना है, इसको ऐसे लिख दो 004 6 7 6 7 6 7, ठीक है, कितना आ गया, तो सारा कट गया, जीरो ही बन गया, 7 माइनस 4 3 4 6 आपका ऐसे ही रहा है, तो यानी कि क्या आया है, 463 आया है यहाँ से। सो एक्स इज इक्वल टू 463 बाय 990, इसको क्या कर लेना, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ये आपके पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्या कर रहा था आपके पास, आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ था लेकिन बार जो है आपके 6 और 7 के ऊपर लगी हुई थी। सबसे पहले क्या करना है, x के इसके इक्वल लगा लिया यहाँ से, ठीक है। अब आपने क्या करा है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट करोगे जिससे आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि आपने देखा है 0 के बाद एक पॉइंट है जहाँ पे ये इसके ऊपर बार नहीं है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 10x आ गया, तो आपकी ये वाली फॉर्म कन्वर्ट हो गई है दोनों साइड जब आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपकी ये तो इजीली फॉर्म आ गई ना। अब क्या करना है, दोनों साइड आपने 100 से मल्टीप्लाई किया है, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 1000 बन गया, ये क्या हो गया 467.676767, ऐसे रिपीटिंग आ गया, सेकंड में से 1 मल्टी माइनस कर दिए तो आपके पास ये आंसर आ गया है, ठीक है। इस टाइप के मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए, इसी मेथड से सॉल्व करने हैं आपके, हो जाएंगे वो, आगे देखते हैं। चलिए जी, लास्ट आपका बचा है क्वेश्चन यहाँ से, मतलब लास्ट वैसे लास्ट नहीं है, आगे अभी हमें पढ़ेंगे इस वीडियो में। 0.9 बार कैसे करेंगे इसको, x इज इक्वल टू 0.9 बार, ठीक है, क्या है ये 0.99999, सो ऑन चल जा रहा, इसको वन इक्वेशन मान लेंगे। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10x बन गया यहाँ से, ये कितना बना आपका 9.9999, सो ऑन, है ना। अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेसर, सेकंड में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बचेगा 9x, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ से 9.9999, सो ऑन 0.9999, ये कितना आएगा, कट जाएगा 9 बचेगा। x की वैल्यू क्या आ गई है, यानी कि 1 आ गया है, है ना, तो 1/1। अब देखिए इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी होता है कि 0.91 जो 9 बार है ये 1 के इक्वल होता है, ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट है, ये 1 के इक्वल होता है। क्यों होता है, इसका रीज़न आप मुझे बताओगे, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना क्यों होता है इसका रीज़न ये, ठीक है, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ईजी था, डायरेक्ट रिजल्ट आप इसका याद रख सकते हो, 0.9 बार किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। स्टडी करना क्यों होता है, क्या रीज़न है इसके पीछे, ठीक है, फिर से मुझे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करना। चलिए और क्वेश्चन जो है मैं आपको, इसके जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, प्रैक्टिस के लिए देती हूँ, ताकि आप प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे तो आप मोटिवेट होगे उससे, है ना, मोटिवेशन मिलेगी कि आपको क्या आ गया है, सॉल्व करने आ गए हैं, आपको समझ में आ गया है मेथड, है ना। तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आपने प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है जी बच्चों। ये 4 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको घर के लिए दिए, मतलब होमवर्क के लिए दिए, आपको प्रैक्टिस करने हैं, नोट डाउन कर लीजिए इन्हें, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको जो है क्लियर होगा, जैसे मैंने समझाया है उस मेथड को फॉलो करना, आपके सारे क्वेश्चन जो है निकल जाएंगे। फिर भी नहीं समझ में आता, वीडियो को 2 बार देखना, 3 बार देखना, ठीक है, फिर आपको जो है आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में उन डाउट्स को मेंशन कर सकते हो, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं आपका उसका आपके जो डाउट्स पहले उस वीडियो में क्लियर करूंगी। इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपनी वीडियो को जो है आगे लेकर चलते हैं। हाँ जी बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन करना सीखा है, रेशनल नंबर्स को कैसे डेसिमली एक्सपेंड हम कर सकते हैं, है ना, ये सब सीखा है। फिर हमने क्या करा है,
कैसे हम डेसिमल एक्सपेंशन से अगर हमने किसी नंबर की है, मतलब टर्मिनेटिंग वाले की, उसको हम उसमें पी वाई क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमने सीखा है। लेकिन अभी तक हमने इरेशनल नंबर के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है। इरेशनल नंबर को हम डेसिमली कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, हमने उसके बारे में कुछ नहीं देखा है। चलिए उसके बारे में कुछ रीड करते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होती है, पता है हमें, जिसका कोई एंड नहीं होता, ऐसा ही है। एंड नॉन रिपीटिंग, साथ में वो रिपीट भी नहीं करते हैं, है ना, यही बात है ना, ना तो वो टर्मिनेट होते हैं ना ही वो रिपीट करते हैं। हमने एग्जांपल भी पढ़ा था, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था अंडर रूट टू का, क्या आती है इसकी वैल्यू 1.41 समथिंग 2, 3 ऐसे कुछ कुछ चलती रहती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो मतलब कैसे है, नॉन रिपीटिंग है, ना तो रिपीट हो रहे हैं ना ही एंड हो रहे हैं, है ना, ऐसा नंबर है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप नोटिस करना और मैं आपको बताऊंगी भी कि हाँ ऐसे प्रूफली है ये। तो देखते हैं, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। जो आई आर है वो इरेशनल के लिए मैंने डिनोट किया है और जो आर है वो रेशनल नंबर है, ये ध्यान रखना। मैंने शॉर्ट फॉर्म इसलिए यूज़ किया क्योंकि बोर्ड के पास इतना एरिया नहीं है मैं कवर कर सकूँ और साथ में आपको समझा भी सकूँ, इसीलिए मैंने आई आर जो है इरेशनल नंबर के लिए यूज़ किया, आर जो है रेशनल नंबर के लिए यूज़ किया। नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अगर हम इरेशनल नंबर का नेगेटिव की बात करते हैं वो भी इरेशनल होता है। मान लीजिए ये 2 है, -2 है, √2 है ना, ये ऐसा है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल होगा ना, है ना, तो ये भी इरेशनल होगा। हाँ जी, मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये लिखा है पॉइंट, ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, द सम ऑफ इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। अगर हम सम करते हैं इरेशनल नंबर का और रेशनल नंबर का, वो इरेशनल नंबर आते हैं। देख लेते हैं, इरेशनल नंबर √3 हो गया मान लो, हमने इसका सम किया है 2 के साथ, ये आपके पास कैसा है, रेशनल नंबर है, या 2/3 के साथ कर लेते हैं, ये रेशनल नंबर है क्योंकि 2 लेते तो 2/1 भी रेशनल नंबर ही होता। तो ये आएगा क्या, आ जाएगा 2/3 + √3, ऐसे ही आएगा ना। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो, जब हम सम करते हैं किसी रेशनल का इरेशनल नंबर के साथ वो इरेशनल ही आता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अगर हम प्रोडक्ट करते हैं रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का, वो भी आपके पास कैसा आता है, इरेशनल नंबर आता है। करके देख लेते हैं, अंडर रूट को 1/2 से करते हैं, या फिर 1/2 से कर लो, या 3/2 से कर लो, ये कितना आएगा, यही आएगा आपके पास 3√2, है ना। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, अगर हम प्रोडक्ट करते हैं किसी इरेशनल नंबर का रेशनल नंबर के साथ, वो भी आपका इरेशनल ही आता है, करेक्ट है ये पॉइंट भी। नेक्स्ट, सम एंड डिफरेंट प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी एन इरेशनल नंबर। अगर हम सम करते हैं या डिफरेंस करते हैं, ज़रूरी नहीं है, या प्रोडक्ट करते हैं कि ज़रूरी नहीं है वो इरेशनल आए, वो रेशनल भी आ सकता है, कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं। चलिए देखते हैं कैसे हैं। मान लो आपके पास एक नंबर है इरेशनल, ये है 2+√2, ठीक है। अब उन्होंने क्या है, दो इरेशनल नंबर का अगर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे या सम करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही आए, ये भी इरेशनल नंबर है। अब हमने क्या कर दिया, माइनस √2 - 2, ये +2 कर लो, ये ऐसे आ गया, है ना। तो क्या हो जाएगा, प्लस का √2 ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से 2+2 कितना आ गया, 4 आ गया, ये कैसा है आपके पास, ये तो इरेशनल नंबर नहीं है ना। तो यहाँ पे इसके बारे में 1 करके हम क्या लिख सकते, बी वाई क्यू की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं ना। तो ये आपके पास क्या है, रेशनल नंबर है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सम करते हो या डिफरेंस निकालते हो, सब्सट्रैक्शन करते हो, वो आपके पास ये ही आए, इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी पॉसिबल, ज़रूरी नहीं है ऐसा आए, रेशनल भी आ सकता है। तो ये आपकी कंडीशन क्या है, सही है, ठीक है। तो मतलब कि क्या है, अगर आप दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हो, सम करते हो, कुछ भी करते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर ही आपको रिजल्टेंट मिले, वो रेशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, इनको एक बार अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ जी बच्चों, नोट डाउन कर लिए आपने, आई होप जो मैंने आपको पढ़ाया है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करके ज़रूर बताना, ठीक है। और
आई होप जो है आपने क्वेश्चन सारे साथ साथ मेरे अपने नोटबुक में भी प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है, उन्हें सॉल्व किया होगा और आपको कोई डाउट भी नहीं होगा, सब निकल गए होंगे, ठीक है। तो क्या करना है, आपने जो मैंने क्वेश्चंस आपको होमवर्क पे दिए हैं, होमवर्क के लिए दिए हैं, उनको भी प्रैक्टिस करना, उनको भी सॉल्व करके देखना, वो भी आपके जो हैं करेक्टली निकल जाएंगे अगर आपने जो मेरी वीडियो अच्छे से देखी होगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आता, वीडियो को दोबारा देखना, दो बार देखना, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपने डाउट मेंशन करना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आती है उसमें मैं आपके पहले डाउट क्लियर कर सकूँ, ठीक है। और हाँ, साथ साथ क्या करना, अपनी एनसीईआरटी बुक में से भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। इस वीडियो में जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 है वो कवर हो चुकी है, ठीक है। और जिस जो बच्चा ये वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, मतलब ये वाली वीडियो देख रहा है, फर्स्ट वीडियो जिसने नहीं देखी है, उसको क्लियर तो हो रहा होगा, लेकिन उसे थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, तो क्या करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है फर्स्ट वीडियो का लिंक भी प्रेजेंट है, आप उस लिंक पे क्लिक करके पहली वीडियो ज़रूर देखना। उसके बाद आपको ये वाली जो वीडियो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, जो जो समझाया आपको, और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। आप हमें जो है इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों के लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट हैं, ठीक है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स आती रहती हैं मेरी वीडियोस की, आपको टाइमली मिल सके और आप अपना प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। सो ये वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना क्या करना, प्रैक्टिस करना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप मोटिवेट होगे क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है, और आपको समझ में आएगा, आपको क्लियर होगा। मैथ को आप रटे नहीं लगा सकते, मैथ जो है आपका प्रैक्टिस मांगता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। सो ये वीडियो यहीं पर एंड होती है, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।